नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ निगेटिव थॉट्स के बारे में। जितने भी लोग मेरे पास में आते हैं ना, वो सब ऐसा बोलते हैं, नहीं हमको बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा थिंकिंग है, मतलब ओवर थिंकिंग है, या फिर निगेटिव थॉट्स आते हैं, उसके लिए क्या करना बताओ। और उसे फिर नींद नहीं आती है, ठीक नहीं लगता है। तो आइए उसके बारे में आज चर्चा करता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त अध्ययन महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी ये जो मेरे पास हिस्ट्री शीट है, ये एक 36 साल का लड़का है, बीकॉम है, जॉब कर रहे हैं, और इनका कंप्लेंट ही वही है कि भाई मुझे बार बार निगेटिव थॉट आते हैं, डर लगता है, बेचैनी होती है, और उनको ऐसा अनसिक्योर लगता है। ये बहुत ही खास फीलिंग है, इनसिक्योरिटी जो है कि नहीं कुछ तो भी हो जाएगा, या मैं अनसेफ हूँ, या नॉट सेफ, कुछ तो भी हो जाएगा, ऐसा एक अनामिक डर रहता है। और नेगेटिव थॉट भी आते हैं बार बार। फिर उसको पूछा कि भाई क्या हो गया, क्या कारण है, ऐसा कब से चालू हो गया। तो उसने बताया कि 2 साल से चालू है। शुरुआत कहाँ से हुई? तो शुरुआत हुई एक उसका नेबर था, पड़ोसी, वो लड़के के साथ में कुछ झंझट झगड़ा हो गया, और उसने उसको धौस मार के, तेरे को देख लूँगा, पिटूंगा, मैं गुंडे लाऊंगा, तेरे को मारूंगा। तो उसको दहशत बैठ गई, और तब से फिर ये चालू हो गया। क्या है कि अभी मैंने बोला कि भाई उसको जब मैंने बातचीत किया, मैंने देखो इसका 2 तरह का इलाज हम करते हैं। एक है कि दवाइयाँ लो, दवाइयों से ये जो थॉट्स है वो कम करो, ब्रेन को जरा शांत करो, रिलैक्स करो। और दूसरा है काउंसलिंग। क्या है कि ये टिपिकली जो है ये एक एंग्जाइटी न्यूरोसिस है, इसमें बहुत टेंशन रहता है, चिंता रहती है क्या होगा फ्यूचर में, और फ्यूचर में क्या होगा, या फ्यूचर में कुछ तो भी गड़बड़ हो जाएंगी क्योंकि पास्ट में कुछ तो भी हुआ था। मतलब पास्ट को उठा के हमने रखा है फ्यूचर में, और ऐसा लगता है कि अभी वो हो जाएगा। तो बोले नहीं, हमको दोनों भी चाहिए। क्या होता है कि कुछ लोग बोलते नहीं हमको सिर्फ दवा दो, हमको बाकी कुछ नहीं करना है। कुछ लोग बोलते हैं हमको दवा बिल्कुल नहीं होना है, आप हमको काउंसिलिंग करो, हिप्नोसिस करो, हिप्नोथेरेपी करो। और कुछ लोग बोलते नहीं हमको दोनों भी करो, दोनों करते तो बहुत अच्छा है। फिर मैंने उसको एंटी एंग्जाइटी दवाइयाँ दिया और उसको काउंसिलिंग के लिए बुलाया। उसने जब 3-4 बार वो मेरे पास में काउंसिलिंग के लिए आया, तो मैंने उसके साथ में बातचीत किया, रैशनल थिंकिंग क्या होता है बताया, और उसने पास्ट को फ्यूचर में कैसा ला के रखा है वो उसको बताया कि जो घटना हुई अभी हो रही क्या, नहीं हो रही, वो कब हुई, 2 साल पहले, फिर अभी क्या हो रहा है, अभी आपको लग रहा है कि वो हो जाएंगे। वो क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ऐसा लगता है कि वो जो भूतकाल है, वो भूतकाल हमने सामने रखे ला के रखा हुआ है कि अभी हो जाएगा। अच्छा, उसकी स्टोरी आपने क्या कैरी की है? उसकी स्टोरी एक ही कैरी की है, मतलब ऐसी स्टोरी बनाई है। जब उसने धौस दिया वो लड़के ने कि मैं गुंडे लाऊंगा, मारूंगा, पिटूंगा, इसका मतलब मैं कमज़ोर हूँ। वो लाएंगा, 2-4 लड़के लाएंगा, मारेंगा, तो मैं कमज़ोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, मैं असहाय हूँ। तो वो जो दिमाग में डायलॉग चल रहा है कि मैं कमज़ोर हूँ, वो उसको मैंने डिस्टिंग्विश करवा के दिया। बोलते बोलते उसने एक्चुअली डिस्टिंग्विश किया कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं उसका सामना नहीं कर सकूंगा, मैं छोटा हूँ, मैं वीक हूँ। बस ये डायलॉग सब चल रहे कि मैं वीक हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं उसका सामना नहीं करूँगा। और ये बोलते बोलते बार बार अफर्मेशंस नेगेटिव देते देते वो बिलीफ पक्के हो गए कि मैं कमज़ोर हूँ। फिर उसको हर जगह वही लगने लगा कि मैं कमज़ोर हूँ। मार्केट में जाना तो मैं कमज़ोर हूँ, मैं बोल नहीं सकूँगा, किसके साथ भी कुछ भावताव करना है तो नहीं, नहीं वो नहीं बोलेगा, फिर कोई तो भी मार देगा, कोई झंझट, मतलब झंझट में दूर भागेगा, होगी झंझट, झंझट नहीं होना भाई, झंझट करेंगे तो फालतू प्रॉब्लम हो जाएगा, तो झंझट नहीं करेंगे। कोई किसी ने अरे कारे बोल दिया तो ये डर जाएगा। तो ये सब अतीत से आ रहा है, भूतकाल से आ रहा है। उसको जब डिस्टिंग्विश मैंने करवा के दिया तो उसको वो पट गया। उसको मैंने हिप्नोथेरेपी किया। हिप्नोथेरेपी हम क्या करते हैं, हिप्नोथेरेपी में उसको सेशन देता हूँ मैं हिप्नोथेरेपी का, और सेशन देने के बाद में उसको विजुअलाइज करने के लिए बोलता हूँ कि देखो अभी तू मार्केट में जा रहा है, या तू रास्ता क्रॉस कर रहा है, या तू लोगों से मिल रहा है, और बहुत ही कॉन्फिडेंटली लोगों से बातचीत कर रहा है, बहुत कॉन्फिडेंट है, डेयरिंग है, और लोग भी बोल रहे कि अरे तेरा क्या डेयरिंग है, अरे क्या मस्त बातचीत कर रहा है, ऐसा लोग भी आपकी भाव वाह तारीफ़ कर रहे हैं, आप भी उनका सामना कर रहे, घूम रहे, फिर रहे, शॉपिंग कर रहे, भावताव कर रहे। मतलब जो जो चीज़ का डर लगता है उसको इमेजिन करना, उसको विजुअलाइज करना, उसको एक्सपीरियंस करना, उसकी तस्वीर बनाना, ऐसा उसको मैंने सिखाया। क्योंकि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, या उसको सबकॉन्शियस माइंड बोलो, तो वो जो है उसको ज़्यादा समझ नहीं है, उसको आपको आदत डालनी पड़ेगी। उसको आदत क्या पड़ी है, उसको आदत पड़ी है अभी डर की। अभी आपको आदत डालनी है कॉन्फिडेंस की, और जब कॉन्फिडेंस की आदत डालेंगे बार बार करके, तो उसको ये समझता नहीं
कि एक्चुअल में मार्केट में जा रहा हूँ कि घर बैठे बैठे मार्केट की कल्पना कर रहा हूँ, ये नहीं समझता। तो उसको बार बार जब इमेजिनेशन करके बताएंगे कि नहीं आप मार्केट में हो, घूम रहे फिर रहे, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट है, ऐसा जब आप बार बार उसको बताएंगे, विजुअलाइज करवाएंगे, तो डर निकल जाएगा। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भाषा नहीं समझती, बोली भाषा, उसको समझती है चित्र। तो चित्र जो है तस्वीर, तो वो निकालना मन के मन में, उसको बताना, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। उसने ये सेशंस किए, मैंने उसको बोला कि भाई आप ये सेशन करते जाओ और रोज़ 3-4 बार सेशन करो, मेरे पास में आते जाओ। 2 हफ्ते में उसको बहुत अच्छा फर्क पड़ गया और बहुत खुश हो गया। मैंने भाई धीरे 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 गोली कम करो। तो ये ब्रेन का कंडीशनिंग एक बार हो गया 2 साल पहले, उसको वो सता रहा है और उसके वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। बहुत नेगेटिव थॉट्स, बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत ही एंग्जाइटी लोगों को है, सब निकल जाएंगे। आज हमारे देश में कम से कम ऐसे लोग हैं कि 5 में से 1 व्यक्ति को एक तो एंग्जाइटी या डिप्रेशन है और वो काम नहीं कर पा रहे बराबर। तो लोगों को शेयर करो, लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।